ऑलराइट गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप देख रहे हो आपका अपना डीटीवी व्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने वाले अपनी साइकिल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले, अपनी साइकिल का जो बैक साइड वाला टायर है उसके ऊपर अपन पूरी टेपिंग करेंगे और टेप करके अपन ड्रिफ्ट करके देखेंगे कैसी ड्रिफ्ट होती है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो ये रही अपनी साइकिल और इसका जो ये बैक साइड वाला टायर है इसको पूरे के ऊपर टेप लगाने वाले हैं अपन, जो कि सेलो टेप होती है वो वाली लगाएंगे। तो ये देख सकते हो, और यहाँ तक लगाएंगे, देखेंगे किधर क्या लगाना है पूरी टेप को, और ब्रेक भी अच्छे से लग जाए, और फिर टायर को ड्रिफ्ट करके देखते हैं। उससे पहले अपन खाली ड्रिफ्ट करके देखते हैं बिना मतलब टेप लगाए हुए कैसा ड्रिफ्ट होता है, और बाद में आपको दिखाएंगे कैसा ड्रिफ्ट होता है। तो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो आपने देखा अपना टायर कैसे स्लिप करता है यहाँ से, और अभी अपन करने वाले हैं इसको सबसे पहले वॉश करेंगे ताकि जो टेप है वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। तो इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं पानी की मदद से। तो ये रहा अपना बिस्लेरी का देसी पानी, और इसकी मदद से अपन को साफ करना। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपन बिस्लेरी यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि वो महंगी हो गई है। तो अभी अपन यहाँ से ऐसे डालेंगे इसके ऊपर पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे पहले इसके ऊपर पूरे टायर के ऊपर, और फिर अपन इसे हल्का सा ऐसे रब कर देंगे और फिर पूरे टायर को क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने साइकिल को लिटा दिया है पूरा, और अभी अपन करने वाले हैं टायर को वॉश। तो सबसे पहले इसके ऊपर पानी डालते हैं। तो ऐसे इसके ऊपर पानी डाल देते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अपन। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने जो साइकिल का टायर है वो देखो पूरा एकदम वॉश कर लिया और एकदम चमक गया टायर, और अभी इसको सुखा रहे हैं हम, तो कपड़े से पोंछ देते हैं और कुछ ऐसे भी सूख जाएगा ये। तो सुखा लेते हैं इसे, और उसके बाद में एक कपड़े की मदद से सुखा लेते हैं, और उसके बाद में अपन लगाएंगे इसके ऊपर टेप, और बाकी वैसे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है तो अपने आप ये सूख जाए। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने पूरे टायर को धो लिया था, साफ कर लिया था, और अभी ये सूख भी गया। तो अभी इसके ऊपर अपन लगाने वाले हैं ये वाली सेलो टेप। तो ये 20 रुपये की है, और इसमें से काफ़ी मैंने यूज़ भी ले लिए। तो अभी ये वाली यहाँ पे चिपकाएंगे टायर के ऐसे, यहाँ पे देख सकते हो ऐसे, और इस तरफ से भी ऐसे सेम, पहले ऐसे ऐसे पार्ट में काट के लगाएंगे, बाद में इसके ऊपर ऐसे पूरी टेप लगाएंगे, डबल लेयर की टेप लगाने वाले हैं, फिर अपन टायर की ड्रिफ्ट मार के देखेंगे। और यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा देंगे तो साइकिल के ब्रेक नहीं लगेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने आधे टायर की पूरी टेप लगा ली है, तो ऐसे लगा रहे हैं हम टेप एक तरफ से लगा के, और इधर कट कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि ये वाला टायर है जो यहीं से है, यहीं से टायर ड्रिफ्ट करेगा। तो रोड के ऊपर तो इसे ट्राई करेंगे नहीं, क्योंकि अपन को पता है अगर रोड पे ट्राई करेंगे तो सीधी ये टेप एकदम से उतर जाएगी, और अपन को देखना स्लिप कितना करती है अपनी साइकिल ये टेप लगाने के बाद में। और अभी आधे टायर पर लग गए, अब यहाँ से यहाँ पर भी लगा लेते हैं, और अभी हम ऐसे लगा रहे हैं टेप को, फिर ऐसे भी लगाएंगे एक बार, तो लगाते हैं फटाफट, लेट्स गो। और गाइस, तो हमने पूरे टायर की टेप लगा ली है यहाँ पे, और अब हम टेप लगाने वाले हैं बीचों बीच पूरी ऐसे करके, तो ऐसे करके लगाने वाले हैं पूरी टेप है। तो लगाते हैं और फिर आपको वो भी दिखाते हैं, और बाकी ये देख सकते हो अभी पूरे टायर की लग गई है टेप, इस साइड नहीं लगी है, बाकी इधर लग गई है पूरी टेप। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने इधर एक लेयर और एक लेयर ऐसे और एक ऐसे, तो हमने 3 लेयर लगा दिए हैं यहाँ पे, और अब बीच से लगाते हैं क्योंकि बीच में देख सकते हो कितनी कमज़ोर है, साइडों से बाकी ज़्यादा काम आएगी क्योंकि टायर ऐसे ड्रिफ्ट होएगा अपनी साइकिल का। तो अभी लगाते हैं इस तरफ और फिर अपन ड्रिफ्ट करते हैं फटाफट, नहीं अंधेरा होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने पूरे टायर के ऊपर टेप लगा लिया, और हमारी काफ़ी ज़्यादा टेप बच भी चुकी है, मेरे को लग रहा है इसमें सिर्फ 5 रुपये की टेप लगी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और टेप पूरी लग गई है अब यहाँ पे। यहाँ पे 3 लेयर लगा दी है, और पहले वाली थी नीचे वाली ऐसे करके। तो अभी अपन टेस्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं।
अभी हमने 5 से 6 बार ड्रिफ्ट करी होगी, ये 5 से 6 बार ड्रिफ्ट करी होगी। और यहाँ से आप टायर की हालत देखो, टायर अभी फट गया है। और रोड के ऊपर हम इसीलिए ट्राई नहीं कर रहे थे क्योंकि ये फट जाएगी यहाँ से टेप, ये देखो यहाँ से फट गया। और ये तो एकदम मुलायम है, यहाँ पे रफनेस नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखो यहाँ से पूरी टेप उखड़ गई, यहाँ पे 3 लेयर थी यहाँ पे। और यहाँ इस साइड से कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस साइड तो ब्रेक वैसे भी लगते हैं, पूरा टायर मतलब स्लिप यहाँ से होता है मेन, और यहाँ से पूरी टेप निकलने लग गई है। तो अभी अपन ने यहाँ पे ट्राई किया था, यहाँ पे इतनी रफनेस नहीं है। और अब अपन ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सीमेंट का है पूरा। तो अब यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, तो यहाँ पे करते हैं और पूरी टेप आई थिंक हट जाने वाली है। हमारी टेप तो ऑलमोस्ट ख़राब हो गई है। उस टेप से एक हमें चीज़ बढ़िया लगी, मतलब जब अपन ड्रिफ्ट करते हैं वो एकदम स्मूथ होती है। तो अब अपन स्मूथ को अल्ट्रा स्मूथ बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं पानी, तो थोड़ा थोड़ा भी पानी डाल रहे हैं। और अब देख सकते हो यहाँ पे पानी डल गया है। अब यहाँ पे करने वाले अपन ड्रिफ्ट, तो करते हैं स्टार्ट। गाइस तो लास्ट वाली क्लिप में ज़्यादा ही अल्ट्रा स्मूथनेस हो गई थी। तो अभी करते हैं अपनी इस वीडियो को क्लोज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अपना चैनल DTV व्लॉग्स। और वीडियो यहाँ तक देखा है तो ज़रूर लाइक करना। बाकी टायर की हालत देख सकते हो, बाकी टेप अपनी काफ़ी ज़्यादा बची हुई है। अगर इस वीडियो पर आते हैं 30 लाइक तो अपन ये वाली चीज़ ट्राई करने वाले हैं, अपनी जो सीमेंटेड रोड होती है रोड के ऊपर, और थोड़ी और टेप लगा देंगे इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर ट्राई करेंगे। बस 30 लाइक कर देना। तो करते हैं इस वीडियो को क्लोज, मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Many, many minutes later. 2,000 years later.